रोएंगे पीटेंगे नहीं, मार धाड़ की सियासत नहीं करेंगे, बल्कि जो मस्नूई तौर पर जीते हैं अगर उनका वेंटिलेटर उनसे उनको हटा दिया जाए उनकी सतह का, तो मरीज कहां पहुंचेगा ये आपको पता है। हमारे कारकुनों को, एक्टिव उर्दू बोलने वाले कारकुनों को धमकियां दी जा रही, ये हमारे जो वोट हैं वो नहीं डर सके। मगर हमने वहां पर भरपूर इलेक्शन कैंपेन चलाई, हम वहां आवाम से रास्ते में थे। अब मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, कोई 8-10 पोलिंग स्टेशन आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि उससे रेंडमली आप अंदाजा कर सके, रेंडमली कि ये कौन से एरिया है, और इनमें से अगर एक पोलिंग भी एमक्यूएम नहीं जीत सकी है तो बाकी मैंने। मगर मैं एक और बात की तरफ शांति कर, UC 32 जो जोन का एरिया आता है और जिसमें हमारे कैंडिडेट साहब के घर की पोलिंग है, और ये मेरी आवाज वो सुन रहे हो, अगर वो दावा करें कि ये तमाम पोलिंग स्टेशन उन्होंने जीती हुई, अब पता नहीं बात जीत जा चुकी होगी। मगर हम 45 फॉरम की जो एक्चुअल रिपोर्ट है मैं वो आपको बता, मगर मैं जीत और हार की बात, HD बॉयज स्कूल कैंट एमक्यूएम एक कोच हार, और कहते हैं कि ये हमारा गढ़ है, और गढ़ है तो जारी है, फिर उनको वोट भी वहाँ के मिलते होंगे, आदि में भी किसी तरह वोट मिलते होंगे। तो जब इन एरियाज में आप पोलिंग स्टेशन हार रहे हैं, तो बाकी एरियाज में आप तो भाई जब ये तमाम एरियाज में एमक्यूएम हार रही है 45 फॉरम के बुनियाद पर, तो बाकी वोट कहां से पड़े, कहां से जीती? रहीम, जैसा कि आप सब दोस्तों को ये मालूम है कि इलेक्शन 2024 जो है वो इस मुल्क में हो चुके हैं, और मैं ख़ास तौर पर आज एक बार फिर हैदराबाद PS 64 NA 220 के हवाले से आपके सामने कुछ तफसीलात बयान करना चाह रहा हूँ। हमने अपने वकला से बात कर ली है, और हम जो लीगल फोरम है वो अपॉर्चुनिटी भी हासिल करेंगे। हम अदालतों के दरवाज़े भी खटखटाएंगे, ताकि हम हैदराबाद के अवाम और अपने वोटर्स, सपोर्टर्स और पार्टी कारकुनान के सामने ये हकीकत रखना चाह रहे हैं कि किस तरह आपके मैंडेट को चोरी किया, ठप्पे लगते रहे, उनके काफ़ी जगहों पे जिस तरह पूरे मुल्क में अवाम ने अपने वोट का, राय हकदही का इस्तेमाल किया, मगर हैदराबाद जैसा एक प्योर सिटी एरिया, अर्बन एरिया, मैंने पहले भी बात की, निशानदेही की, अपनी वीडियो बनाई, और उसके मुझे जहां तक मालूम हुआ है कि वोटर्स ने भी DRO साहब को अपनी इन रिटन एप्लीकेशन दी कि वो हक राय दही से महरूम रहे उस दिन इलेक्शन प्रोसेस से। तो जो वोटर्स की रिसीविंग हमारे सामने आई है, उन इलाके के रजिस्टर वोटर्स जो हैं उनका इंटरेस्ट देखें किस तरह है, कि वो अगले ही दिन DRO साहब को ये दरख्वास्त दे रहे हैं कि हमारे जो वोट हैं वो नहीं डल सके। अब जाहिर है जब बूथ पोलिंग स्टेशन 203 के बूथ नंबर 404 में अगर किसी वोटर ने अपना वोट न दिया और वो चिल्ला रहे हैं कि जी हमें मौका फराहम किया जाए ताकि हम अपना वोट दें, अपनी राय दें, अब मुझे ये मालूम नहीं, या मेरे NA के कैंडिडेट वसीम अहमद राजपूत साहब को ये मालूम नहीं कि वो वोटर्स किस पार्टी के हैं। हम तो उनकी दी हुई दरख्वास्त को यहाँ पर कोट कर रहे हैं कि उनको ये मौका बहरहाल मिलना तो चाहिए, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था, ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था। तो लिहाजा आप भी हैदराबाद शहर से ताल्लुक रखते हैं, और मेरे सुनने वाले हैदराबाद की लाखों आवाम और पूरे सूबे और मुल्क की आवाम आपकी तवसत से मेरी आवाज सुन रही होगी कि
हमारा जो कैंडिडेट यहां पर, क्या नाम है पार्टी का जो जीता है, राशिद खान, और पार्टी का क्या नाम है, एमक्यूएम पाकिस्तान, भूल रहा हूं मैं, तो उनके कुछ नॉमिनी एरियाज होते हैं कि वो वहां से बड़ा मैंडेट लेके और कहते हैं कि ये हमारा गढ़ है, और गढ़ है तो जाहिर है फिर उनको वोट भी वहां से मिलते होंगे, माजी में भी किसी तरह वोट मिलते होंगे, आप सबको मालूम है। मैं चंद पोलिंग स्टेशन एरिया वाइज आपके सामने रखना चाहता हूं, उससे फिर आप मेरे हलके के अवाम, वसीम अहमद राजपूत साहब के हलके की अवाम समेत पूरा सूबा और मुल्क भी इस बात की गवाही दे कि जो एरियाज वो क्लेम करते हैं कि यहां पर मुखालफों की एंट्री नहीं हो सकती, मगर हमने वहां पर भरपूर इलेक्शन कैंपेन चलाई, हम वहां अवाम से राबते में थे। अब मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, कोई 8-10 पोलिंग स्टेशन आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि उससे रेंडमली आप अंदाजा कर सकें, रेंडमली कि ये कौन से एरिया हैं, और इनमें से अगर एक पोलिंग भी एमक्यूएम नहीं जीत सकी है तो बाकी मैंडेट कहां से है। अब मिसाल के तौर पर यहां पर खान बहादुर कॉलेज की पोलिंग स्टेशन है, यहां पर एमक्यूएम पोलिंग हारी है। मैं वोटों की तफसीलात में अगर आप कहेंगे तो मेरे साथ ये लिखी हुई है मेरे पास, मगर मैं जीत और हार की बात कर रहा हूं। खान बहादुर कॉलेज की मैंने बात की, 39 वोट ओनली एमक्यूएम के नसीब में आते हैं। एफजी बॉयज स्कूल कैंट, एमक्यूएम एक वोट हार गई है। UC 32 जो जोन का एरिया आता है और जिसमें हमारे कैंडिडेट साहब के घर की पोलिंग भी आ जाती है, और ये मेरी आवाज वो सुन रहे होंगे कि अगर वो दावा करें कि ये तमाम पोलिंग स्टेशन उन्होंने जीती हुई है, अब पता नहीं कहां तक लीड जा चुकी होगी, मगर हम 45 फॉरम की जो एक्चुअल रिपोर्ट है मैं वो आपको बताना चाह रहा हूं। तो जो UC 32 जोन वाली है उसमें 120 वोट एमक्यूएम, अगर आप ये ना समझिएगा कि जीते हुए हारे हैं, पीपुल्स पार्टी 157, बाकी भी हमारी मुखालिफ जमातों ने वोट लिए हैं। पठान कॉलोनी 04, 4 वोट हारे हैं। नुजरत कॉलेज 20 वोट हारे हैं। राशिद मनहास 77 वोट हारे हैं। भुरगड़ी स्कूल, जब ये मैं नाम ले रहा हूं तो आपका भी अंदाजा जाता होगा कि ये तो वो गढ़ है जहां पर कोई परिंदा भी पल नहीं मार सकता था, तो भुरगड़ी स्कूल हारे हैं। जामिया अरबिया स्कूल तिलकचाड़ी हारे हैं। मुस्लिम कॉलेज हारे हैं। नूर मोहम्मद हाई स्कूल हारे हैं। ताराचंद हारे हैं। खड्डा मार्केट हारे हैं। ओ भाई, जब ये तमाम एरियाज में एमक्यूएम हार रही है 45 फॉरम के बुनियाद पर, तो बाकी वोट कहां से पड़े, कहां से जीती, ये तो आपको भी अंदाजा होना चाहिए। आप भी इस शहर हैदराबाद की गली मोहल्लों में रहते हैं, ये मेरी आवाज सुनने वाली हैदराबाद की लाखों आवाम सुन रही होगी, मेरी माएं बहनें सुन रही होंगी, और ये मैं ऐवें ही बात नहीं कर रहा, अगर मेरी गुफ्तगु को वो चैलेंज करें और अपनी कोई न्यू गुफ्तगु करें तो फॉर्म 45 पीछा कर रहा है, वो आपको बता देगा। तो जब इन एरियाज में आप पोलिंग स्टेशन हार रहे हैं तो बाकी एरियाज में आपकी जीत नामुमकिन है,
तो ये 35,000 जो वोट हैं, या तो एक रात में, क्योंकि दो दिन के बाद हमें रिजल्ट मिली, इन बैलेट पेपर ने अंडे दिए होंगे, उसमें से चूजे पैदा हुए होंगे, फिर वो गिनती में आ गए होंगे, या तो फिर ऐसा कहा जाए। तो इसलिए हम अपने मुखालिफ जमायत को कहते हैं, और आज भी वो पता नहीं कहाँ छुपे हुए हैं। हम आवाम में हैं, आप देख रहे होंगे कि मैं दो दिन से मुसलसल गली मोहल्लों में निहत्ते अपने चार दोस्तों के साथ जा रहा हूँ और आवाम का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। वसीम साहब भी आपके यहाँ उसी दफ्तर में बैठे हैं जहाँ पर पूरा महीना इलेक्शन कैंपेन चलती रही, इलेक्शन सेल था, और ये पार्टी के काफ़ी कारकुनान उनसे मिलने आए हुए, और ये अवामी राबता हमारा जारी रहेगा। हम अपना कानूनी काराजोई करने के साथ साथ मैच्योर पॉलिटिकल कारकुन की हैसियत में ये जरूर कहते हैं कि हम रोएंगे पीटेंगे नहीं, मारधाड़ की सियासत नहीं करेंगे, बल्कि जो मस्नूई तौर पर जीते हैं, अगर उनका वेंटिलेटर उनसे उनको हटा दिया जाए उनकी फतेह का, तो मरीज कहां पहुंचेगा यह आपको अंदाजा होना चाहिए। तो वेंटिलेटर पे है जब तक उनकी जीत चलती है, चलती रहे। मगर मैं एक और बात की तरफ निशानदेही कर रहा हूं कि शाही बाजार, हुरमोहल्ला, कच्चा किला, हमारे कारकुनों को, एक्टिव उर्दू बोलने वाले कारकुनों को धमकियां दी जा रही हैं। मैं उस पर जरा आपको कहना चाहता हूं कि ये वो दौर गया मेरे भाई, और हमने 12 अपनी तकरीरों में यह बात की थी कि आप उर्दू बोलने वालों की दिलों में एक बार फिर नफरत पैदा करना चाहते हैं, और जितने भी दोस्तों ने मुझसे राबता किया है वो उर्दू बोलने वाले हैं जिनको ये धमकियां दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हम तमाम जो धमकियां मिलने वाले लोगों, इनकी एप्लीकेशन रिकॉर्ड पे SSP ऑफिस में, कंसर्न थानों में रखना चाहते हैं। मैं अपील करना चाहता हूं उन इदारों से भी, मैं अपील करना चाहता हूं IG सिंध से, SSP हैदराबाद से, DIG हैदराबाद से, और कंसर्न SHO से कि खबरदार, किसी ने भी अपनी मस्नूही जीत के नशे में आकर अगर हमारे कारकुनों पे हाथ उठाया, तो आज इस धामरा का खून हाजिर है, किसी को लड़ना है वसीम राजपूत, और आज इस धामरा से लड़के दिखा। के जो दो सवाल हैं, एक तो जो प्रोटेस्ट हो रहा है पूरे सूबे में, जो धरनों की जो बात की जा रही है, ये पहली मरतबा ऐसा हुआ कि सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ तमाम जो मुखालिफ जमायतें थी उन्होंने इतिहाद किया, और वो इस वजह से किया कि माजी में वो बकौल वो कह रहे थे कि हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ अकेले अकेले लड़ते थे तो पीपल्स पार्टी जीत जाती थी, अब हम सब जब इकट्ठा हो जाएंगे तो पीपल्स पार्टी 30% होगी और हम 70% हो जाएंगे। हमने भी सोचा था कि शायद सब के बिल जाने से वो वोट को इकट्ठा कर सकेंगे, मगर एक्चुअली वोट था ही नहीं, 0-0 था। जब इतिहाद हुआ तो फिर वही प्लस 0 हो गया। तो जब आपके पास इतिहाद करने का ऑप्शन था, पीपल्स पार्टी ने ये मना तो नहीं किया था कि नून और मुतहदा या JUI या सब, मौलाना राशिद महमूद सुमरों ने पीपल्स पार्टी के ऊपर जब तनकीद करते थे कि सरदारों और वडेरों के खिलाफ बगावत पैदा कर देते थे, मजहबी जुनूनियत भी उसमें आ जाती थी, मगर वो जब दावतें करते थे तो उसमें वो तमाम जो हमारे मुखालिफ जागीरदार वडेरे उनके साथ बैठे होते थे। तो मुनाफकत की सियासत जो राशिद महमूद सुमरों ने शुरू की हुई थी, वो उनका नतीजा है कि अब उनसे पूछें कि भाई आपने मिलकर इलेक्शन लड़ी, फिर भी अगर हार गए तो उसमें पीपल्स पार्टी का क्या कसूर हुआ यार? और जहां तक मैंडेट और वोट ज्यादा लेने की पीपल्स पार्टी की बात है, तो 2008 में जो हमने वोट लिए थे, 2013 में उससे ज्यादा लिए, 2013 में जो हमने वोट लिए 2018 में उनसे ज्यादा वोट लिए, 2018 से 2024 में हमने ज्यादा वोट लिए हैं। जो फाफन आपका जो एक इदारा है मॉनिटरिंग करने का इलेक्शन कमीशन को, वो कह रहा है कि पीपल्स पार्टी का और नून के लिए भी उसने कहा है उनका वोट मादी से बड़ा, मतलब आप इतिहाद भी करें ना जीते फिर भी पीपल्स पार्टी का कसूर और आवाम का कसूर कि आपने रास्ते ब्लॉक किए और कई अमवात हुई हैं उनके इन धरनों से। भाई जाएं मुतलका जो इदारे हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर जाके आप प्रूफ करें
और पीपुल्स पार्टी को फिर से हरा दें पूरे सिंध में, धरनों से आपकी बात तो नहीं मानी जाएगी ना। इससे साबित होता है कि आप अपनी नाकामी वहां नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि रिजल्ट क्या आएगी अदालत में। यहां पर आप अवाम को, लोगों को मार रहे हैं, तो ये अवाम के कातिल है जो भी मुसलसल रोड ब्लॉक करके बैठे हैं। और मजहब का नाम लेके राशिद मोहम्मद सुमरो जो इस तरह की भोंडी हरकतें कर रहा है, अल्लाह पाक की जात उसे माफ नहीं करेगी, ना इस धरती के अवाम उसे माफ करेंगे। अगर JUIA को 2 सीटें नेशनल असेंबली में मिली हैं तो ये पीपल्स पार्टी का कसूर हो गया। वो अपने आबाई हलके से KPK से हारे हैं, धरने सिंध में लग रहे हैं, भाई वहां लगाओ ना जहां पर आपका कायद शिकस्त फाश हुआ है। मेरे कायद ने तो अपने होम सूबे में 2 सीटें जीती हैं। आपने पहले उठाए थे 50,000 वोटों का दावा था, अब आप आ गए हैं 30,000 पे, तो ये मेरे कायद का कसूर है। मेरा कायद तो आपकी बेटी की फातह के लिए आपके पास चल के आया था, ये उसने सियासत थी मेरे कायद। जहां तक आपने MQM से इत्तेहाद की बात की है, तो देखें हम इंडिविजुअल केस का यहां पर जिक्र कर रहे हैं। जहां जहां पीपुल्स पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ किसी को शिकायतें हैं तो वो मुतलका इदारों के पास जा रहे हैं, उनको ये राइट है। हम अपने हलके की वो पोलिंग स्टेशन बता रहे हैं जिस पे उनका नाथ था, लाड था, कि जोन वाली पोलिंग भी अगर MQM हार जाए और MQM का कैंडिडेट भी अपनी पोलिंग हार जाए, खाता चौक भी हार जाए, फकीर का पिड़ भी हार जाए, सिरेघाट भी हार जाए, तो ये वोट 35,000 कहां से आया, मेरा आज जाना सवाल है, आज जाना। बुनियादी तौर से असांके याद कंप्लेन आया, ये ऐसा रिकॉर्ड जो उठाई है, तो काफ़ी अड़ी पोलिंग स्टेशन से हूँ जेकी 12 बजे का शुरू थी, सहाफी कॉलोनी में पब्लिक हेल्थ बिल्डिंग में एक पोलिंग स्टेशन आया जिथे 12:30 बजे हमलो आयो है। 12:30 बजे हमलो अची पोलिंग शुरू तो करे, वह बंद थी 5 बजे, खास तौर से जिथा पीपल्स पार्टी जा एरिया है। तो यो बुनियादी सवाल क्वेश्चन असो है जो उन टाइम रेस के मुँह तो चाहिए, तो 203 पोलिंग स्टेशन जो बूथ नंबर 404 में 1700 का 3,000 वोटर हैं जिन पांजो वोट इस्तेमाल न किया पाकिस्तान के इलेक्शन प्रोसेस में, उन्हें जो जवाब केर दिलो। उनके जो ये कहा है कि हर हलके की अपनी डायनामिक्स है, ये ऐसा तो नहीं हुआ है कि पीपल्स पार्टी अगर जीती है तो पोलिंग एक ही थी और हर इलाके से सिर्फ जिस तरह रेफरेंडम होता है कि अगर सरगोधा से वोट पड़ गया तो हैदराबाद में भी काउंट होगा, या हैदराबाद में वोट पड़ गया तो गुजरात में भी काउंट होगा, ऐसा तो नहीं है। हर हलके की अपनी डायनामिक्स है। और मैंने अपनी गुफ्तगू में यह भी कहा कि अगर पीपल्स पार्टी जहां से जीती है और मुखालिफ कैंडिडेट को यह लगता है कि उनके साथ ज्यादती हुई है तो मुतलका इदारों के पास जाए, मगर धरना किस बात का वो है हल है? आप जाए ना सुप्रीम कोर्ट में जाए। कल अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि कई मरीज जो है वो जान चली गई उनकी, उसकी जिम्मेदारी कौन पे लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा उसकी? और मजहब का नाम ले रहे हो आप, यहां से तो जोर से अजान नहीं दी जाती अगर मस्जिद के बराबर कोई मरीज है, वहां पर आप रोड पे 5 वक्त नमाजें अदा कर रहे हो और आप लाखों अफराद को जो है वो तकलीफ में खड़ा कर दे रहे हो, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, भूखे रोजगार के लिए कहीं नहीं जा सकते, मरीज अस्पतालों में नहीं जा सकते, ये कहां का इंसाफ है? ये तो हैदराबाद समेत पूरी सिंध के अवाम के साथ ज्यादती है कि आपके कायदीन आ रहे हैं दूसरे सूबों में और धरना लगे सिंध में, इसलिए कि सिंध आपको बाबे का केक लग रहा है, सिंध में एहतजाज आसान है। वो आपको पोलिंग स्टेशन और इससे कहीं ज्यादा भी है, हमारे पास कैलकुलेशन जो है हमारे वोटों के, हम ले जाएंगे अदालत में कि वो जमायत जो अपने हलकों से बुरी तरह हार रही है 35,000 वोट किस जादू की छड़ी से आए, फरिश्ते लेके आए, या उन्होंने रातों रात जो है उनकी इतनी बड़ी प्रोडक्शन हो गई कि उन्होंने वहां पर अंडे दिए और बच्चे हो गए और उनकी गिनती हो गई, हुआ क्या है? हमें सवाल का जवाब चाहिए। जितने कदर तहां सवाल जो ताल्लुक आए पीपल्स पार्टी से करप्शन जो इल्ज़ाम आए,
पीपुल्स पार्टी से करप्शन जो इल्ज़ाम आ या गवर्नमेंट सतह से इदारा जारी जैसे पार्टी गवर्नमेंट में थी अचे तो इदारा अची था वन क्लार्क भी आए पटेवालो भी आए मुख्तलिफ ऑफिसर पॉलिटिशियंस भी सब आए मुझे चवण जो मकसद है तो 2008 का तक कैलकुलेट कर बुधाई है तो रिजल्ट में सीटों में इजाफो थो तो वे पीपुल्स पार्टी की डेवलपमेंट की गाल कई जैसे बुनियादन से वोट छो तो वे मू वोट छो था दियन एक तो लेगेसी नंबर बी गाल या गाल बे जरूर नोट करण खपे मू नोट कन था तो जैसे इतने कें दिल जो आरजो थो तो वो फौरी तौर से पैं 5 लख रुपया उधारा वी घर या टीन चपड़ विकणी वो वो तबाह हॉस्पिटल कराची दिल के आर्ज में मुब्तला मानू के विदिन द 5 to 10 मिनट रिलीफ की जरूरत मू जिंदगी खत्म थी वो 13 यूनिट सिंध के मानून के जेके बेपोच मानू जेके इलाज नथा कराए सकन साईं जो फादर उतां थी आयो आ बिया इलाही सारा मिसाल है हेल्थ सेक्टर में एजुकेशन सेक्टर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में खोड़ सारी शयूं जेके तव्हांखे ॿुधाए सघजनि थियूं करप्शन ते पूरी सोसाइटी जी इहा ज़िमेदारी आहे त करप्शन खे वाइको थियणु खपे ऐं करप्शन जा हथ रोकणु खपे त करप्शन में सिर्फ़ पॉलिटिशियन इन्वॉल्व आहे या करप्शन जा ज़रिया कुझु ॿिया बि आहिनि ओवरऑल करप्शन न थियणु खपे ऐं तव्हां सां एग्री थो कयां उन जे ख़िलाफ़ हिन मुल्क में हिकु अहिड़ी कानून साज़ी थियणु खपे जेका आहे कोन हर हुकुमरान पंहिंजो इदारो ठाहे छॾींदो आहे कॾहिं एल साहब ब्यूरो ठहियो आहे कॾहिं नेप ठही आहे जेका पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कंदी आहे पर हिन मुल्क मां करप्शन ख़तमु करण जे लाइ का बि कोशिशि न आहे अनफॉर्चुनेट पीपुल्स पार्टी जॾहिं पानामा जो केस आयो त पीपुल्स पार्टी पार्लियामेंट में चयो अचो त कानून साज़ी कयूं त हिन मुल्क में एस सच एच साहब जो कानून अचणु खपे कानूनी हिकिड़ो इदारो जेको फारवर हुजे जेके तहत हिन मुल्क में करप्शन जे ख़िलाफ़ कार्रवाई थिए पर उहो का बि पार्टी हुन ते आई कान सिर्फ़ु हिकु ॿिए ते चोर चोर ऐं डाकू डाकू जा इल्ज़ाम लॻा ॿी ॻाल्हि त जेकॾहिं पीपुल्स पार्टी सिर्फ़ु करप्ट आहे त पोइ उन्हनि जे ख़िलाफ़ु जेको एहसाब थियो आहे जेके 10-10, 11-11 साल जेलुनि में रही आहे लीडरशिप उहे इदारा जवाबु ॾियनि त पोइ उहे बाइज़त भरी जेका पीपुल्स पार्टी जी लीडरशिप थिए थी त पोइ उन्हनि जा 10-10, 11-11 सालनि जो जेल जो जेको पीरियड आहे उनजो हिसाबु केरु ॾींदो जेकर आजिस धामरा करप्ट आहे त रुगो फेसबुक ते मुंहिंजो मुखालिफ़ जेकॾहिं हिकिड़ी पोस्ट रखे उन ते त करप्ट कोन हूंदो एविडेंस सां उहे इदारा मूंखे जॾहिं पकड़नि था मुंहिंजे ख़िलाफ़ु रेफरेंस दाख़िल था थियनि छो कार्रवाई नथी थिए मूंखे त हैदर चौक ते फांसी ॾेई छॾनि न त ॿियनि माण्हुनि खे इंसाफ़ जे लाइ भउ थिए त हाणे आजिस धामरा खे फांसी अची वई आहे हिकिड़ो माण्हू बकौल तव्हांजे त करप्शन थो करे इहा हक़ीक़त आहे त पोइ हिन मुल्क जा इदारा किथे हिन मुल्क जो जुडिशरी निज़ाम किथे आहे जेको ख़ुदि सिंध में एक्टिव नज़र ईंदो आहे पीपुल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ पर जेकॾहिं पीपुल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ु एक्टिव आहे माण्हुनि खे इंसाफ़ु ॾियणो आहे त पोइ उन्हनि खां पुछो त उनजी कारकरदगी किथे आहे केतिरा अहिड़ा केसनि जिन में सज़ा छो नथियूं अचनि ॿिए तरीक़े सां तव्हांजो जेको सुवालु आहे मेयर वारो उनजी पार्टी जे अंदरि का बि अहिड़ी न सलाह मसलियत आहे न का अहिड़ी इंफॉर्मेशन आहे न अहिड़े क़िस्म जी का मूवमेंट की पोलिंग स्टेशन अगरि मुतहदा कौमी में हार रही है और ये लिस्ट शायदि आप देरि से आए हैं जो मैंने पढ़ी है आप दोस्तों से पूछ लीजिएगा मैं नाम एक बार फिर ले लेता हूँ कि खान बहादुर कॉलेज है एफ जी बॉयज़ स्कूल है UC 32 जिसमें जोन और कैंडिडेट का घर आता है पठान कॉलोनी है नुदरत कॉलेज है राशिद मनास जो है भुरगड़ी स्कूल है जामिया अरबिया है मुस्लिम कॉलेज है नूरमुंद हाई स्कूल है तारा चंद है खड्डा मार्केट है बाबा फरीद है अलबनात है बहुत सारे स्कूल है जो इनके एरियाज हैं अगर वहाँ सबसे ये हारी है MQM तो 35,000 वोट कहाँ से ये वो इलाके हैं जो माजी में इन लोगों ने वहाँ पे 4-4, 5-5 हज़ार वोटों की लीड उठाई है उन सब पोलिंग से MQM ने विंग किए मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि एक बिल्कुल केक की तरह पीसता जहाँ से इनको हमेशा हमारे हज़ारों वोट पड़ते थे वो वोट कहाँ गए वो फॉर्म 45 के ऊपर मौजूद हैं हमारे पास तो अपने सारे फॉर्म 45 मौजूद हैं मतलब हम इंशाल्लाह ताला आगे जाएंगे लेकिन जो एक केक की तरह पीसता जहाँ से हमेशा हमारा ज़िंदगी भर इनको लीड रही है वहाँ से ये सारी पोलिंग क्यों हारे और ऐसा कौन सा वो था आप और हम सब शहर में घूम रहे थे 2 से 2:30 बजे तक कोई पोलिंग के ऊपर बंदा नहीं था और 2 घंटे के अंदर इतने वोट पड़ गए माना
आप उसका अगर सेकंडों में भी आप कैलकुलेशन लगाएंगे तो वोट नहीं पड़ सकता है मना। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से ये इलेक्शन हुआ है, जिस तरीके से हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है, वो आप लोगों के सामने है, पूरे अवाम के सामने है, कोई बात छुपी भी नहीं है। तो हम इंशाल्लाह ताला हमारी क़यादत का ये एक वो है कि आप कानूनी जंग करें। ये धरने देना टेक्निकल टेक्निकल बात है कि अगर मैं अपने अकाउंट में शो करूं कि भाई मैं, मेरे पास कोई इतना सोर्स नहीं है फाइनेंशियली और मेरे बैंक बैलेंस जो है बिल्कुल नहीं है, और जब हम बैंक की वो शीट निकालते हैं अपना क्या कहते हैं बैंक स्टेटमेंट निकालते हैं, उसमें भी पता पड़ता है कि मेरे पास तो एक साल में सिर्फ 1.5 लाख रुपए पड़े हैं, और मैं अगर बड़ी बड़ी गाड़ियां और बंगले इस्तेमाल करूंगा तो FBR पकड़ करती है ना कि सोर्स ऑफ इनकम बताएं जहां से आपने ये चीज़ें खरीदें, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट तो आपका पूरे साल में 1 लाख रुपए का है। तो ये जो बैंक स्टेटमेंट हम आपको बता रहे हैं मुतहदा कौमी मूवमेंट की और 35,000 वोट का जो डिफरेंस है, ये वो बताएं, उनका ज़मीर बताएं, और आप उनसे ये सवाल कीजिएगा। हमारा सिंपल यही केस है। थैंक यू।